21 अप्रैल 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड एक लेक्चर के डेमोंस्ट्रेशन के लिए एक अपैरेटस सेटअप किए थे, जिसमें एक बैटरी, एक की, एक रजिस्टर और वायर का इस्तेमाल किए थे। जब वो इन सब चीज़ों को एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तभी साइड में रखा हुआ कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करने लगा। मतलब नॉर्मली कंपास का नीडल नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रहता है, पर मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आते ही वो नीडल थोड़ा सा वेस्ट की तरफ हिलने लगा। उस टाइम तो किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया, पर ओरस्टेड ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की। कुछ लोग कहते हैं कि ये खोज एक्सीडेंटली हो गई थी, पर कुछ लोग कहते हैं कि डेमोंस्ट्रेशन के दौरान जो अपैरेटस सेटअप किया गया था, वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कनेक्शन ढूंढने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट कीजिए, और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।